दोस्तों, कैसा लगेगा अगर आपको हम ये बताएंगे कि एक समय फ्यूचर में ऐसा भी आएगा जब चांद हमारी पृथ्वी से दिखना बंद हो जाएगा। और दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स की ही तरह और भी कई यूनिवर्स मौजूद हैं? और क्या आपको ये बात पता है दोस्तों कि जिस स्पेस सूट को पहनकर एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं उसकी कीमत कितनी ज्यादा होती है? अगर आपके पास हमारे यूनिवर्स से जुड़े इन सवालों के जवाब नहीं है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे अंतरिक्ष से जुड़े ऐसे कुछ फैक्ट्स जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। नंबर 10, स्पेस इज कम्प्लीटली साइलेंट। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा आउटर स्पेस बिल्कुल शांत है और वहाँ पर कोई भी आवाज नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्पेस में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं मौजूद है और इसी के लिए साउंड के ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम भी नहीं है। और यही वजह है दोस्तों कि वहाँ पर जरा सी भी आवाज नहीं होती। यहाँ तक कि स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स भी रेडियो का इस्तेमाल करते हैं आपस में कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि स्पेस में भले ही साउंड वेव्स ट्रेवल न कर सकें पर रेडियो वेव्स को फिर भी भेजा और रिसीव किया जा सकता है। वैसे क्या आप जानते हैं दोस्तों कि यूनिवर्स टर्म हम स्पेस में जितनी भी चीजें मौजूद हैं के कलेक्शन को कहते हैं। नंबर 9, नोबडी नोज हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन स्पेस। दोस्तों, बचपन में हम सभी अक्सर बैठ कर तारे गिना करते थे और थक हार कर आखिरी में बैठ जाया करते थे। पर आपको बता दें कि साइंटिस्ट के लिए भी ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि इस यूनिवर्स में कितने स्टार्स मौजूद हैं। अगर आज के समय में साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स की बात करें तो उनका मानना है कि सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 200 से 400 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा भी इस यूनिवर्स में बिलियन और गैलेक्सी मौजूद हैं। तो दोस्तों, अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे यूनिवर्स में टोटल स्टार्स का नंबर कितना ज्यादा होगा। नंबर 8, 1 मिलियन अर्थ्स कैन फिट इनसाइड द सन। शायद दोस्तों ये फैक्ट सुनने में ही काफी अजीबोगरीब और अटपटा लगे। दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे सोलर सिस्टम का लगभग 99.86% मास सिर्फ सन के पास है और सन इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें हमारे अर्थ के जैसे ही 1 मिलियन अर्थ फिट हो सकते हैं। सही सुना आपने, शायद हम इसे इमेजिन भी न कर पाए। नंबर 7, फुटप्रिंट्स ऑन द मून विल स्टे देयर फॉर द नेक्स्ट 10 मिलियन ईयर्स। दोस्तों, जिन एस्ट्रोनॉट्स के फुटप्रिंट्स इस वक्त चांद पर मौजूद हैं, आप जानते हैं कि वो फुटप्रिंट्स वहां पर अगले 100 मिलियन सालों तक बिना खराब हुए रह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं मौजूद है, इसलिए जिन अपोलो साइंटिस्ट के फुटप्रिंट्स चांद पर मौजूद हैं वो वहाँ अगले 1 मिलियन साल तक रहने वाले हैं। नंबर 6, कॉस्ट ऑफ नासा स्पेस सूट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिन स्पेस सूट्स को नासा के एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जाने के लिए पहनते हैं उसकी कीमत कितनी है? अगर नहीं पता तो आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, नासा के एक स्पेस सूट्स की कीमत 1 करोड़ 20 लाख तक है। सही सुना आपने। और आपको बता दें कि इस पैसे में से लगभग 70% हिस्सा सिर्फ बैकपैक और कंट्रोल मॉड्यूल का होता है। दोस्तों, अगला फैक्ट बताने से पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आप ये बात जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स कितना साल पुराना है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा यूनिवर्स लगभग 13 बिलियन ईयर्स पुराना है। नंबर 5, देयर इज फ्लोटिंग वाटर इन स्पेस। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि हमारे आउटर स्पेस में पानी तैर रहा है? हमारा मतलब ये कि कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में एक बहुत बड़ा सा वाटर वेपर का बादल खोजा है। इस तैरते हुए बादल में अर्थ के ओशन में जितना पानी मौजूद है इससे 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा है। और दोस्तों, ये तैरता हुआ पानी का बादल हमारे अर्थ से लगभग 10 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये अब तक के पानी की सबसे बड़ी खोज है। नंबर 4, द मून इज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम अर्थ। दोस्तों, जिन भी लोगों को चांद बेहद पसंद है शायद उन्हें ये फैक्ट कुछ कम पसंद आए, पर आपको बता दें कि एक समय फ्यूचर में ऐसा भी आएगा जब चांद धरती से दिखाई देना बंद हो जाएगा। पर दोस्तों, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साइंटिस्ट का मानना है कि हर साल धरती से चांद 3.8 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है और अगर चांद इस स्पीड से धरती से दूर होगा तो उसे धरती के ग्रेविटी की फील्ड से बाहर जाने में 1 बिलियन साल का समय लगेगा। नंबर 3, द फर्स्ट एवर ब्लैक होल फोटोग्राफ्ड इन 3 मिलियन टाइम्स द साइज ऑफ अर्थ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस ब्लैक होल की फोटो सबसे पहले 2019 में क्लिक की गई थी वो अर्थ से भी 3 मिलियन गुना ज्यादा बड़ा है और ये ब्लैक होल अर्थ से लगभग 310 मिलियन ट्रिलियन माइल्स की दूरी पर मौजूद है। डस्ट और गैस से बने इस ब्लैक होल की फोटोग्राफ को सबसे पहले अप्रैल 2019 में रिलीज किया गया था। इस फोटोग्राफ को इवेंट ओरिजिन टेलीस्कोप से कैप्चर किया गया था जो कि 8 लिंक्ड टेलीस्कोप का नेटवर्क है। नंबर 2, द यूनिवर्स इज फिल्ड विथ अनविजिबल स्टफ। दोस्तों, हमारा यूनिवर्स कई ऐसी चीजों से मिलकर बना है जिसे हम देख भी नहीं सकते, यानी कि ये चीजें इनविजिबल हैं। और यहाँ तक कि जिन स्टार्स, प्लैनेट और गैलेक्सीज को अब तक हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने डिटेक्ट किया वो सिर्फ हमारे यूनिवर्स का 4% तक के हिस्से में ही आता है। बाकी 96% हमारे यूनिवर्स में ऐसी चीजें हैं जिन्हें आसानी से देखा या डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इन इल्यूसिव सबस्टेंसेस को हम
डार्क मैटर या डार्क एनर्जी के नाम से जानते हैं, पर एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि वो फिर भी हमारे यूनिवर्स में मौजूद है। नंबर 1, देयर मे बी मोर यूनिवर्सेस। दोस्तों, मल्टी यूनिवर्स से जुड़ी हुई इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी का ये मानना है कि शायद सिर्फ एक हमारा ही यूनिवर्स नहीं, बल्कि ऐसे भी और यूनिवर्स मौजूद है, और इस थ्योरी के हिसाब से दूसरे यूनिवर्स के पास अपने खुद के फिजिक्स लॉज मौजूद हैं, जिनकी मदद से वो फिक्शन करते हैं। और दोस्तों, मल्टी यूनिवर्स का ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल और पूरी तरह से हाइपोथेटिकल है। दूसरे यूनिवर्स के होने का कोई भी प्रूफ हमारे एटमॉस्फेयर के पास मौजूद नहीं है। दोस्तों, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।